हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन आज के वीडियो में हम लोग द राइम ऑफ एन एन शट मारिनो के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि किसका फेमस वर्क है एस टी कॉलरीज का काफी फेमस वर्क है तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो जो है काफी इजी लैंग्वेज में होगा वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प होता है वीडियो आपके सिलेबस का तो आप है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा तो वीडियो शुरू करते हैं ठीक है द राइम ऑफ द एनिशियंट मारिना इज ए पोएम यह एक पोएम है रिटर्न बाय सेमुअल टेलर कॉलरिज जिसको किसके द्वारा लिखा गया है सेमुअल टेलर कॉलरिजी इनका पूरा नाम एस टी कॉलरिज का पूरा नाम दिया हुआ है सेमूअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन लेडिकल बैलेट एस टी कॉलेज के काफी फेमस मतलब कलेक्शन है उसमें लिडिकल बैलेट्स में पब्लिश करवाया गया था विच इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो कि पोएम्स का कलेक्शन है समूह है रिटर्न विथ कोलैबोरेशन जिसको कि कोलैबोरेशन के साथ लिखा गया है मतलब किसी के कोई और भी इस पोएम के ग्रुप्स को पब्लिश करवाने में शामिल है लिखा, लिखने में शामिल है ऑफ इज फेलो पोएट जो कि उनके मतलब फेलो यानी फ्रेंड थे उनके सहपाठी थे विलियम वर्ट्सवर्थ मतलब विलियम वर्ट्सवर्थ और एस टी कॉलेज दोनों मिलकर लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करवाए थे जिसमें कि जिससे कि द राइम ऑफ एंशियंट माइनर पोएम लिया गया है अब कॉलिज एलोंग विथ वर्सवत कॉलरिज जो है वर्सवत के साथ ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रोमेंटिक मूवमेंट कि कॉलरिज और वर्षवत जो है फाउंडर संस, संस्थापक जो होता है ना उसके रूप में भी जाने जाते हैं इंग्लिश रोमेंटिक मूवमेंट के द राइम ऑफ एंशियंट माइनर इज वन ऑफ लॉन्गेस्ट पोएम ऑफ सेमोल टेलर कॉलरिज सेमोल टेलर कॉलरिज की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोएम है एक और काफी फेमस और लॉन्गेस्ट पोएम है टेलर कॉलरिज की वो है कुबला खान रिटर्न इन 1797 सेवन एंड सेवनटीन नाइनटी एट मतलब इसको जो लिखा गया सेवनटी नाइनटी सेवन सेवन एट के बीच लिखा गया एंड पब्लिश इन सेवन एट और पब्लिश करवाया गया सेवनटी नाइनटी एट में द राइम ऑफ एनसियंट को और ये जो लिडिकल बैलेट्स हैं लाइडिकल बैलेट्स उसको भी 1798 में भी पब्लिश करवाया गया मतलब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि लीडिकल बैलेट्स का पब्लिश करवाया गया तो 1798 में द पोएम इज इन अ फॉर्म ऑफ बैलेट पोएम जो है एक बैलेट के फॉर्म में है बैलेट क्या होता है ना बैलेड में होता है एक लंबी कविता ऐसी कविता जिसके थ्रू कहानी बताई गई हो ठीक है कविता के फॉर्म में हो लेकिन एक कहानी उसके थ्रू व्यक्त किया गया हो तो यही एक बैलेट के फॉर्म में है पोयम भी फिर इट इज एन एनशियट मारिनो एन इस लाइन से ही पोएम शुरू होता है तो दिस फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम पोएम का ये जो पहला लाइन है इज द इंट्रोड्यूसेस द सेंट्रल करेक्टर इसमें पोइट क्या करते हैं जो करेक्टर है, इस का, उसको करते है उसका परिचय देते हैं जो है ओल्ड मारिनर एक बूढ़ा मारिनर है मारिनर यानी हो जाता है नाविक शेलर द पोइट गिवस अस ए लिटिल डिटेल अबाउट मारिनर्स लॉन्ग ग्रे बियर्ड थोड़ा सा मारिनर के मतलब बारे में बात करते हैं उसके बारे में डिटेल देते हैं उसका क्या है लॉन्ग ग्रे बियड है लंबा ग्रे कलर का और बियर्ड यानी दाढ़ी है एंड ग्लिटरिंग आइज और चमकती हुई आंखें एंड एंड ही ही टॉक्स टॉक्स अबाउट अबाउट हिज हिज लीन थिन हैंड और क्या करते हैं उनके लीन यानी दुबले पतले और मतलब दुबला एकदम कमजोर सा हाथ के बारे में भी बात करते हैं द मारिनो स्टॉप द वेडिंग गेस्ट और मारिनर जो नाविक है शीलर है वो वेडिंग गेस्ट को स्टॉप करता है मतलब तीन वेडिंग गेस्ट रहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा तीन वेडिंग गेस्ट को थ्री वेडिंग गेस्ट को स्टॉप रोकता है मारिनर मतलब मारिनर के द्वारा इन तीनों को क्या कर लिया जाता है उसके बाद लिसन यानी सुनने लगते हैं ओबिडियंटली एकदम आज्ञापूर्क और हेल्पलेसली मतलब नई भी मनो फिर भी सुन रहे क्योंकि वो लोग हिप्नोटाइज हो गए हैं नो मारिन मारिनो सक्सीडेड इन गेटिंग फुल कंट्रोल ऑफ द वेडिंग गेस्ट अब मारिनर क्या

वो बैठे हुए स्टोन पे एंड इज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन और उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है बट टू हियर द हु हैज हिम मतलब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि उन लोग को सुनना है मारिनर को जो कि उनको हिप्नोटाइज अपने वश में कर रखा है माइनर बिगिन बाय शेंगे माइनर अपनी कहानी शुरू करता है बाय शेंग ये कहते हुए फिर से हम बता रहे कि ये बैलेट के फॉर्म में है कहानी है पूरी पोयम में लेकिन ये पोयम है एक तरह से कविता है द इप क्रॉस द हार्बर वेरी क्विकली poet मतलब यहाँ पे मारिनर कहानी सुना रहे कि उनका जो सिप है जहाज वो हार्बर यानी बंदर का जहाँ पे जहाज रुकता है उसको क्रॉस करता है जल्दी एंड एंटर इन टू द मेन सी वाटर और मेन जो समुद्र का पानी होता है ना उसमें प्रवेश करता है sailors, जो सेलर्स जो नाविक होते हैं सेल्ड अवे हैपली वो लोग काफी खुशी से सेल कर रहे हैं नाव चला रहे हैं अन अवेयर फ्रॉम द डिजास्टर दैट अवेटेड मतलब उस डिजास्टर यानी जो क्या होता है ना मतलब जो आपदा आने वाली है उससे क्या है Unaware है मतलब पता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो लोग काफी खुशी से जा रहे हैं एंड अवेटेड जो उनका रास्ते में वेट कर रही है, ऐसे आपदा से वो लोग अभी मतलब पूरी तरह से हैं द द शिप शिप सेलिंग साउथ साउथ की ओर को शेल किया जा रहा है बट सडनली दे गेट डेमसन काउट इन ए डेडली स्टॉम लेकिन क्या होता है अचानक से वो लोग खुद को किस पाते हैं डेडली स्टॉम एक भयावह खतरनाक से स्ट्रॉम यानी तूफान में पाते हैं ठीक है थीके? यानी समुन्द्र में तूफान आ गया है द स्ट्रॉम हैज बिन कम्पेयर्ड टू ए ह्यूज प्री बर्ड जो ये जो स्टॉम है मतलब तूफान है उसको एक बड़े से प्री शिकारी बर्ड के साथ कंपेयर किया गया है और ए विंग्ड मॉन्स्टर एक बड़े पंख वाला मॉन्स्टर से के साथ भी कंपेयर किया गया है दैट पाउंसेस शिप जो कि सिप को पूरा क्या कर लिया है जकर लिया है उस पर झपट्टा मारा है मतलब अगर जैसे स्टॉम आया तो उसी तरह उनको लगा कि, कि कोई बड़ा सा पक्षी बड़ा सा मॉन्स्टर क्या किया है उनके सिप पे झपट्टा मारा है जैसे शिकारी वाला पक्षी करता है अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारता है फिर आगे है इट्स प्री जैसे कि इट्स प्री अपने शिकार पक्षी जो है अपने शिकार पे झपट्टा मारता है ये हो गया द शिप वॉज फोर्सली ड्राइवन बाय द साउथ पोल अब जो शिप जो स्टॉम आया था उसके क्या होता है ना वो क्या कहता है ना स्ट्रम तूफान शिप को फोर्सिबली मतलब बलपूर्वक ले चल जाता है साउथ पोल तक के पास ले जाता है ले चल जाता है साउथ यानी क्या हो जाता है दक्षिणी ध्रुव के पास ठीक है दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के पास ले जाता है फुल ऑफ मिस्ट एंड स्नो जो कि पूरा क्या है मिस्ट मिस्ट यानी कुहाशा और स्नो यानी बर्फ से भरा पड़ा है तो आपको पता होगा कि साउथ पोल जो होता है नॉर्थ और साउथ पोल वहां की सूर्य की वहां पे सूर्य की रोशनी बिल्कुल ना के बराबर पहुंचती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होता है बहुत ज्यादा कुहाशा यानी बर्फ गिरती है तो इस इसे से ये साउथ पोल के बारे में बात की कि जहाँ पे क्या है मिस्ट है और स्नो है कुहाशा है और स्नो है बर्फ है द कोल्ड वॉज रियली अनबेरेबल जो वहां पे ठंड है बिल्कुल असहनीय है फ्टर ए कंसिडरेबल टाइम मतलब अब काफी समय के बाद जब, मतलब जब हेडपास है, है के, मतलब के बीच में से आता है एलबेट्रस क्या है एक तरह से समुद्री पक्षी होता है जिसका की अभी आप पिक्चर देख रहे होंगे स्क्रीन शॉट में एल्बेट्रस एक समुन्द्री पक्षी होता है जो की समुद्र में रहता है ठीक है आपको स्क्रीन शॉट से क्लियर हो गया होगा फिर आगे है अनदर अनदर दूसरे सेलर्स जो दूसरे नाविक है सडन मतलब वो लोग क्या करते हैं एलबेट्रस को खाना खिलाना शुरू करते हैं सडनली तभी अचानक से ए साउथ विंड ब्लोस एक मतलब साउथ से जो है ना हवा चलना शुरू होती है दक्षिणी हवा चलती है एंड द शिप इज एबल टू मूव अब शिप यहाँ पे एबल मतलब मूव मतलब, करने योग्य हो गई हो मतलब पहले तो बर्फ की वजह से साउथ पोल में होने की वजह से पूरा जम गई थी मतलब शिप भी फंस गई थी लेकिन जब ये एलबेट आया है पक्षी आया है इसको ये लोग नाविक लोग खिलाए हैं तो ये शिप थोड़ी मूव कर पा रही है द एलबेट फॉलो द शिप अब ये शिप का पीछा करती है जब शिप मूव कर रही है मतलब चलने लगी है एंड द मारीनर कॉल्स टू इट और मारिनर जो है इनको बुलाते हैं एंड इट और डेली इसको खिलाते हैं मतलब और दूसरे भी जो लोग हैं नाविक है उस नाव पे वो लोग करते हैं ऐसा वन डे एक दिन द मारिनर सूट्स द एलबर्ट ट्रश विथ हिज क्रॉस बो एक दिन क्या करता है जो मारिनर है जिसके बारे में हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं ओल्ड मारिनर एनशियंट मारिनर जो है वो अपने क्रॉसबो से क्या करता है सूट कर देता है उस पक्षी को मतलब मार देता है एल्बर्ट को अब क्रॉसबो क्या होता है आपको यहाँ पिक्चर में मतलब स्क्रीन शॉट में फिर से क्लियर हो पा रहा होगा ये देखिए ये ना मतलब क्या है एनिशियन टाइम का जो है क्रॉसबो है अभी काफी मॉडिफाइड क्रॉसबो मिलता है ठीक है तो ये एनिशियन टाइम का है पहले इसी तरीके का क्रॉसबो आता था फिर आगे यह, यहाँ सेकेंड पार्ट है तो ये चीज एक और चीज़ याद ध्यान रखिएगा द राइम ऑफ एनशियट मार्नर ना पोएम टोटल सेवन पार्ट में डिवाइड है कितने पार्ट में सेवन पार्ट में तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस किए ये यहाँ से मतलब शुरू होता है नॉर्मली मतलब एक्सप्लेन करने से कि कैसा मतलब बाय फिजिकल कैसा था एनिशियंट मार्नर और फिर यहाँ से अब हो रहा है, सेवन पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे जहाज है, है, में, में तो दोष लगाते हैं आरोप लगाते हैं मारिनर ऑफ किलिंग द बर्ड उस बर्ड को मारने का दैट मेड द ब्रिज टू ब्लो जिसकी वजह से मतलब हवा चलना शुरू हुआ था जिसकी वजह से ये लोग प्रॉब्लम में जो साउथ पोल में फंस गए थे फ्री हुए थे तो ये लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसा क्यों किया क्यों मार दिया द विंड स्टॉप अब फिर से हवा रुक गई है द ओल्ड सेलर सेलर कहता है डे आफ्टर डे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोएम का लाइन लिए हुए डे आफ्टर डे यानी टाइम बीता जा रहा है दिन के बाद दिन डे आफ्टर डे एक लाइन है एंड स्टक वो लोग फंसे हुए हैं नॉट ब्रेथ नो मोशन ना ही वो लोग सांस ले पा रहे अच्छे से ना ही मोशन ना ही गति कर पा रहे ना ही उनका जहाज चल पा रहा है ठीक है इट ऑल हैपेंस और ये सब होता है बिकॉज द एलबेट्रश रॉन्गफुल किलिंग क्योंकि एलबर्ट ट्रस्ट का जो है गलत तरीके से जो उसको मार दिया गया माइनर के द्वारा तो परिणाम है।, है, वो, वो है।, है, को को है कि इन लोग का नाव फिर से क्या हो गया है अटक गया है द स्काई लुक लाइक हीटेड कॉपर अब तो पहले ये लोग ठंड में फंस गए थे साउथ पोल में अब की बार क्या हो रहा है कि स्काई इन लोगों को काफी ज्यादा हीटेड एकदम गर्म कॉपर तांबा की तरह लग रहा है सन लुक्ड ब्लड रेड एकदम ब्लड के तरह रेड दिख रहा है दिस अबाउट द लोकेशन ऑफ द शिप ये लाइन फिर से हम लोग को लोकेशन क्लियर करती है शिप का द शिप इज ऑन द नियर द इक्वेटर शिप क्या है अब की बार इक्वेटर के पास हो इक्वेटर के पास सूर्य की रोशनी डायरेक्टली आती है जिस वजह से यहाँ पे काफी गर्मी होती है इक्वेटर के पास वाले एरिया में बिकाउस द सन इज वेरी हार्श क्योंकि सन जो है बहुत ज्यादा तेज है हार्श है एंड वर्टिकल वर्टिकल एंगल एट नून और दोपहर के टाइम में बिल्कुल सीधी रोशनी आ रही है उस शिप पे एंड ऑक्योस इन दल रीजन ओनली जो की सिर्फ एकवेट्रियल रीजन में ही होता है जो मतलब एक्वेट्रियल रीजन होता है वहीं पे ऐसा कंडीशन बनता है इस वजह से पोइट यहाँ पे बता पा रहे हैं कि जो शिप है अब इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में है दिप बिगेन टू क्रैक्ड अब शिप टूटना शुरू हो गया बिकाउज ऑफ एक्सेसिव हीट बहुत ज्यादा हीट की वजह से शिप क्रैक करना शुरू हो गया है ड्यू टू दीट द सेलर ट्राइड अप से पूरी मतलब जो, जो भी नाविक थे उनका टंग पूरा ड्राइड अप हो चुका है एंड दे जस्ट कुछ लोग अब बात भी नहीं कर पा रहे द माइनर डिस्क्राइब द सीन्स और माइनर सीन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं वॉटर वॉटर एवरी वेयर नो एन ए ड्रॉप टू ड्रिंक मतलब कहीं पे पूरा मतलब वॉटर हर जगह है चारों तरफ लेकिन पानी पीने वाला जो है ना ड्रिंक करने वाला वाटर कहीं भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो समुद्र था मतलब समुद्र का पानी पीने योग बिल्कुल नहीं होता है तो यही पे यहाँ बताया गया कि, कि वाटर वाटर चारों तरफ वाटर है बट फिर भी एक पानी के पीने के लिए एक बूंद वाटर नहीं है एज पनिशमेंट अब पनिशमेंट के रूप में दे हैंग द डेड एल्बेट्रश ऑन द माइनर्स नेक ये क्या करते हैं जो दूसरे सेलर्स होते हैं वो हैंग डेड एल्बेट ट्रेस को जो एल्बेट्रेस जो है पक्षी वो जो मर चुका है मारिनर्स के जो मारिनर अपने क्रॉस बो से मारा था उसके नेक में इसको टांग देते हैं अब आते हैं थर्ड पे थर्ड सेक्शन पे टोटल सेवन हम लोग को पढ़ रहा है मारिनर शी अनदर शिप इज सेलिंग एट सम डिस्टेंस अब ये मारिनर के गले में ये एल्बेट्रेस मरा हुआ लटका हुआ है अब मारिनर क्या देखता है दूसरा शिप देखता है कि जो सेलिंग दूसरे मतलब सम डिस्टेंस कुछ दूर से आ रहा है शेल करते हुए फ्रॉम हिज शिप मतलब उसके शिप से कुछ दूर से एक शिप आ रहा है डिजायर्स एंड ट्राइज टू येल आउट लाउडली वह चाहता है कि चिल्ला की वो सबको बताए बट हिज माउथ इज टू ड्राई लेकिन उसका मुंह क्या है बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका है टू यल मतलब वह बोल भी नहीं पा रहा है टू तो मॉइस्टन अपने लिप को मॉइस करने के लिए नमी डाने के लिए ही सग्ड हिज ऑन ब्लड वह क्या करता है अपने ब्लड को शक कर लेता है मतलब अपना खुद को हार्म किया हैड पे और ये ब्लड निकला तो उसको शक कर लेता है मतलब चूस लेता है ताकि वो कुछ बोल सके क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई थी वहां पानी बिल्कुल नहीं होने की वजह से दे थिंक वे लोग सोचते हैं दैट दे आर शेफ नाव कि अब तो दूसरा जहाज आ रहा है दूसरा नाव आ रहा है ये लोग सोचते हैं वो, वो लोग शेफ हैं बट सैडली लेकिन दुखी, दुखी की बात है द शिप इज ए घोस्ट शिप जो शिप आ रहा था वो घोष्ट शिप था भूत वाला शिप एंड द ओनली पैसेंजर आर और उसमें जो दो जो पैसेंजर थे वो कौन कौन है डेथ है एंड द लाइफ इन डेथ दो पैसेंजर हैं डेथ और लाइफ इन डेथ As the come closer, और जैसे ही वो शिप क्लोज आता गया माइनर सीज माइनर देखता है dice, कि दोनों जो है डाइस का गेम खेल रहे हैं डेथ विन जो सिप्स के सारे क्रियू को जीत लेता है क्रियू मेंबर को एंड द लाइफ इन डेथ मतलब डेथ में भी लाइफ मतलब जहां मृत्यु हो उसमें भी जीवन इसका मीनिंग हुआ विन एनिसंट माइनर वो एनिसियंट माइनर को जीतता है इस वजह से यहां पर डिसाइड हो गया कि डेथ डेथ बाकी क्री मेंबर को जीता है तो बाकी क्या हो जाएंगे मेंबर उस जहाज के मारे जाएंगे लेकिन ये life death, किसको जीता है to, है है को को बच बच जाएगा वो गया तभी तो अभी थ्री गेस्ट को रहा है कहानी अब आगे हम लोग इसके फोर्थ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे द वेडिंग गेस्ट इन द स्टोरी अब जो वेडिंग गेस्ट है जो कहानी सुन रहे थे वो लोग स्टोरी को रोकते हैं टू एडमिट दैट कि वो लोग स्वीकारते हैं द माइनर कि वे लोग अब क्या हो रहा है डर रहे हैं मरीनर्स उन लोगों को लग रहा है कि सब मर गया था कि तो पक्का ये भी मर गया होगा द मरीनर एश्योर्स हिम माइनर वहां पे उन लोगों को कंफर्म करता है दैट लाइक एवरीवन अनलाइक एवरीवन इल्स ऑन द शिप ही इज नॉट डेड कि शिप में सारा आदमी मर गया लेकिन वह नहीं मरा था एज ही रियलाइजेस जैसे इनको रियलाइज हुआ दैट ओनली ही

डी वो मतलब अभी शरना भी, भी शुरू नहीं की है देर आईज अनचेंज्ड फ्रॉम दूवमेंट ऑफ देर डेथ जब से उन लोग आईज जैसे था ना बिल्कुल उसी तरह वो है स्टिल अक्यूजेज हिम और ऐसा माइनर को लग रहा है कि वो लोग उनका जो आइज है उनके मौत के बाद भी उनपे आरोप लगा रहा है मतलब जैसे बॉडी था आज से सात दिन बाद एक दिन मतलब डेथ के एक सप्ताह बाद भी सेम उसी तरीके से बॉडी उन लोग का रखा हुआ था वन नाइट एक रात आफ्टर द मून राइजर मून निकलने के बाद द मारिना मारिना नोटिस करता है द वॉटर स्नेक पानी में रहने वाले स्नोक को स्विडिंग इन द वॉटर वो लोग पानी में क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं घुर्णन कर रहे हैं ही थिंग्स वह सोचता है अबाउट द लवली कलर्स उनके लवली कलर्स के बारे में ही फील्स अनुभव करता है ए स्प्रिंग ऑफ लव गड फ्रॉम माई हार्ट मतलब वो अनुभव ऐसा करता है कि मेरे हर्ट से ना बहुत ज्यादा लव इन सांपों के लिए निकल रहा है एंड आई आई ब्ल अन और ये अचानक से क्या करता है अनअवेयर मतलब अनभिज्ञ होकर उन लोग के लिए ब्लेस्ड यानी कुछ भगवान से अच्छा प्रे कर लेता है या कुछ अच्छा बोल देता है एज सुन एज द माइनर एक्सपीरियंस दिस एप्रिशिएशन और जैसे ही माइनर को यह फील होता है है ऑफ द वाटर स्नेक कि वो वाटर स्नेक को अप्रीशिएट कर रहा है एंड अटर्स एंड अनकॉन्सियस प्रेयर एंड एक ऑफ ब्लेसिंग और एक तरह से वो एक ब्लेसिंग आशीर्वाद के लिए प्रेयर कर चुका है द एलबेट्रस ड्रॉप हिज नेक तभी मतलब ऐसे तो वो भगवान की प्रार्थना कर नहीं पा रहा था बट जैसे ही वो स्नेक के बारे में सोचा और उसके लिए भगवान से कुछ प्रे किया तो जैसे ही इसको लगा कि वो प्रार्थना कर पा रहा है भगवान का एल्बेट्रस ड्रॉप फ्रॉम हिज नेक तो एल्बेट्रस जो मरा हुआ जो एलबेट्रस उसके गले में लटका हुआ था वो उसके नेक से गिर जाता है एंड फॉल्स इन टू द शी और वो कहाँ गिर जाता है शी में गिर जाता है फिर आगे है अब हम लोग फिफ्थ जो इसका सेक्शन है फिफ्थ सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे द बर्डन ऑफ द एल्बेट्रेस अब जो उस एल्बेट्रस का जो बोझ था नाउ रिमूव वो हट चुका है द सेलर स्लेप्ट एट लास्ट अब जो सेलर है मतलब एनशियंट माइनर वो सो चुका है ही ड्रीम्स द बकेट ऑन द शिप डेक आर फिल्ड विथ ड्यू एंड वेक्स टूडेंट मतलब वो ऐसा उसको ड्रीम में लगता है कि पूरा जो बकेट है ना सिप पे वो पानी से मतलब ड्यू पानी की बूंदों से भर चुका है मतलब रेन हो रहा है ऐसा सपना देखता है और ही वेक्स टू रेन और वो जगता है और देखता है कि सच में क्या हो रहा है रेन हो रहा है बारिश हो रही है द मारिना ड्रिंक्स अंटिल हिज थर्स्ट इज क्वेंस्ट और माइनर मतलब जो कि नो डाउट बहुत ज्यादा गर्मी पर रही थी इक्वेटर के होने के इक्वेटर पे होने की वजह से तो तब तक पानी पीता है जब तक उसकी प्यास नहीं बुझ जाती है डेड एराइज जो मरे हुए लोग हैं वो लोग जाग जाते हैं नॉइजलेसली मतलब बिना कोई आवाज किए रिटर्न टू देयर पोस्ट ऑन द शिप मरे हुए आदमी क्या करते हैं अपने अपने शिप के तरफ चले जाते हैं काम करने के लिए मतलब जो, जो जिनका जिनका सिप पे जो जो काम था वो सब काम करने लगते हैं मरे हुए आदमी उठ के द वेडिंग गेस्ट अगेन एडमिट्स और फिर से जो वेडिंग गेस्ट रिएक्ट करते हैं दैट ही इज अफ्रेड कि वो लोग डर रहे हैं बॉर्ड है बट द मारीनर एज लेकिन यहाँ पे फिर से मारिनर जो है नाविक वो उनको कन्फर्म करता है बॉडीज वी आर एनिमेटेड बाई द स्प्रिट्स नोट की बॉडी को जो है ना स्प्रिट्स मतलब जो शुद्ध आत्माएं होती हैं, उनके द्वारा मतलब संचालित किया जा रहा है ना कि ऐसा नहीं है कि मरे हुए फिर से जिंदा हो गए, बल्कि क्या हुआ है कि उनके अंदर शुद्ध आत्माएं आ गई है द डेड सेलर स्टील दिप्स टुवर्ड्स होम मरा हुआ जो सेलर था वो होम के तरफ सिप को ले जाता है द बोट्स बिगिन टू स्पीड अब बोट्स पूरा स्पीड से चलने लगा है थ्रू द वॉटर पानी में विच काउजेज द मारीनर टू फेंट फ्रॉम द सडन एसिलिरिएशन और इसी वजह से मारिनर क्या हो जाता है बेहोश हो जाता है फेंट हो जाता है सडन अचानक से बहुत ज्यादा तेज गति से जहाज के चलने की वजह से सियस और जब वो अनकॉन्सियस बेहोश रहता है मैटर ऑफ द एलबेट्रेस वो बर्ड वाला मैटर डिस्कस कर रहे थे वन वॉइस एक करता है द मैन हैथ पीनेस डन इंसान जो है जितना ने 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 करता है एंड पीनेस मोर विल डू तो जो तपस्या का जो फल होता है उसको उतना ज्यादा मिलता है मतलब जितना करता है जो ज्यादा मिलता है फिर यहाँ पे ये ख़त्म होता है अब हम लोग सिक्स लाइन को डिस्कस करेंगे ठीक है काफ़ी लंबी पोएम है एक एक लाइन को डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल यानी बहुत बड़ी चली जाती तो वो इम्पॉसिबल था इस वजह से हम नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन किए हुए जो कि फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स के नोट्स के, के लिए होगा बाकी टेन मार्क्स के नोट्स के लिए आप इसमें से कुछ रिमूव कर सकते हो और आपको कुछ ऐड करना हो अगर लगे कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप ऐड भी कर सकते हो द वॉइस इज कंटिन्यू टू डिस्कस और ये जो वॉइस था यह बिहोश है लेकिन यह वॉइस जो है उसके पास कंटिन्यू आ रहा है, है? स्लो हो चुकी है वेन द मारीनर जब मारिनर जो है नाविक अवैक मतलब जागता है एज द मारीनर स्टैंड जैसे ही मारिनर खड़ा होता है दिन मूव शिप टू वर्ड द पोर्ट तो विंड जो है हवा वो, वो शिप को कहाँ ले जाती है पोर्ट की ओर पोर्ट यानी बंदरगाह जहाँ पे शिप रुका रुकता है वे द शिप हैड स्टार्टेड द जर्नी मतलब शिप जहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी शुरू में वे लोग फिर से वहीं पहुँच गए हैं वे लोग यानी सिर्फ मारिनर जिंदा बचा है तो वो पहुँचा है ऑल द अदर मैन आर नाउ डेड अगेन और जो सारे अदर मैन जिनके अंदर स्प्रिट आ गई थी वो जाग चुके थे

कैन मेक हिज कन्फेशन टू द हर्मिट और वह चाहता है कि अपना मतलब जो भी वो चीज हुआ है उसके साथ वो सब चीज कन्फेश करे उस हर्मिट सन्यासी के सामने अब सेवंथ वाला पार्ट आगे सबसे आखिरी पार्ट है द माइनर हियर्स द रेस्क्यू बोर्ड्स पायलट माइनर रेस्क्यू बोर्ड्स पायलट सुनता है एंड द हमिट टॉकिंग अबाउट द डिजमेल कंडीशन ऑफ द शिप कि हेरमेट वो सन्यासी और शिप का पैलेट जो कि उन लोगों को रेस्क्यू करने आया उस बोट का पैलेट बात कर रहे हैं खराब जो मतलब दुर्दशा जो खराब दुर्दशा है ना मारिनर के शिप की उसके बारे में बात कर रहे हैं सडनली मारिनर हियर्स सडनली मारिनर को फील होता है ए लाउड नॉइज एक तेज आवाज का एंड द शिप स्टार्स टू सिंक और जो उसका शिप है वो डूबना शुरू कर देता है द माइनर इज फ्लोटिंग मारिना बिल्कुल मोशन लेसली मतलब उसके कोई गति नहीं बची है वह पानी में तैर रहे हैं सो द पायलट एंड द हर्मिट सो इस वजह से जो पायलट जो रेस्क्यू करने आए थे और हर्मिट सन्यासी एट फर्स्ट बिलीव ही इज डेट तो पहले वो लोग समझते कि मर चुका है एस दे ड्रैग हिम इन टू द रेस्क्यू बोट और जैसे ही वो लोग खींच के उनको रेस्क्यू बोट पे लाते हैं दी आर स्टंट तो वे लोग क्या होते हैं काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं वेन द टू स्पीक जब मारिनर बात करना शुरू करता है वह uh, से क्या करता 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 है मतलब request करता है है मतलब टू हियर हिज कन्फेशन कि उसके कन्फेशन को सुन ले आफ्टर ही टेल्स the hermit everything हरमिट को सारा इंसिडेंट सारा घटना बताने के बाद द मारिन मारिनर को ऐसा रियलाइज हो रहा था फील हो रहा था यानी अनुभव हो रहा था दैट ही एक्सपीरियंसिस रिलीफ की वह मतलब कुछ आराम का अनुभव कर रहा था आफ्टर ही टेल्स द स्टोरी मतलब हर को सन्यासी को अपनी कहानी सुनाने के बाद उसको कुछ रिलैक्स फील हो रहा था सिंस दैट टाइम और तभी से उसी टाइम से द मारिनर हैज फेल्ट कंपेल्ड टू टेल हिज स्टोरी टू सर्टेन पीपुल तभी से ये मारिनर क्या है मजबूर है अपनी कहानी सभी को सुनाने के लिए दैट ही मिट्स जिससे भी वह मिलता है ही प्रिवील्स टू द वेडिंग गेस्ट वेडिंग गेस्ट के सामने रिवील्स करता है द लेसन ही लर्न एज ए रिजल्ट जो एज रिजल्ट वो लेसन सीखा इस चीज से ऑफिस एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एवरीथिंग इज वर्ड थी अब मायना यहाँ से क्या सोचता है सारा चीज जो है मूल्यवान है ऑफ रिवरेंस द माइनर्स इज मतलब सारा कुछ मूल्यवान है और सारा कुछ जो क्या उसका इज्जत करना चाहिए आदर देना चाहिए द माइनर्स इज बिकॉज एवरी थिंग इज क्रिएटेड बाई गॉड क्योंकि जो है ना सारा कुछ क्या हुआ है भगवान के द्वारा बनाया गया है गॉड के द्वारा बनाया गया है तो इस वजह से सारी चीज को सेम अधिकार सब कुछ सेम प्राप्त है फिर आगे है दस इस प्रकार द पोएम डिपिक्ट पोएम व्याख्या करता है दैट वंस दैट वन हैज टू फेस द रिजल्ट ऑफ वंस मिसडिड की अगर कोई इंसान कुछ गलत करता है तो उसको अपने मिसडिड बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है सो इसलिए वी मस्ट नॉट कमिट को जो गलत काम होता है जो पाप होता है बुराई होता है वो नहीं करना चाहिए मतलब क्योंकि एलबर्ट को ये बिना मतलब कि क्रॉस से मार दिया था ना इंस्टेंट मारना तो वो गलत काम किया था तो इस वजह से हम लोग को प्रॉब्लम में फंसना ही था हाउ यूवर हालांकि इफ दैट हैपन्स वी मस्ट रिपेंट ऑन द सेम हालांकि अगर ऐसा कुछ हो गया हम लोग से कोई गलती हो जाती है तो हम लोग को क्या करना चाहिए रिपेंट यानी पछतावा करना चाहिए वन कैन बी फ्री फ्रॉम द सन्स ओनली टू रिपीटेंस मतलब कोई भी इंसान जो है अपने पाप से फ्री हो सकता है अपने सिंह से फ्री हो सकता है सिर्फ फ्री यानी पछतावा करके ही ठीक है अगर कोई किसी से गलती से कुछ हो भी गया है गलत तो यहाँ तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है आपके सिलेबस के है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब तो करना और कमेंट करके बताएं वीडियो का कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ